जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो हरिहंतारणं नमो सिद्धारणं नमो आयुर्वेदारणं नमो वज्रारणं नमो लोहे सर्वसाधारणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमोऽग्नि मंगलं कुंदकुंदायो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। एक पंक्ति है बहुत सुंदर, उससे प्रारंभ कर रहे प्रभु। दुख इसे देता रहता है इसका ये भीषण अज्ञान। क्या बोले हमने? दुख इसे देता रहता है इसका ही अज्ञान। नहीं कहा भीषण अज्ञान। दुख इसे देता रहता है इसका ही भीषण अज्ञान। बहुत ही गरिष्ठ लाइन है। इस जीव को इसका मतलब परद्रव दुख नहीं देता। इसका मतलब है संयोग दुख नहीं देता, परद्रव दुख नहीं देता, कर्म दुख नहीं देती। अब एक कदम और आगे के ना, स्वयं का विकारी भाव भी से दुख नहीं देता। समझना इसको ना, सब बहुत सरल करेंगे इसको। एक तरफ दूसरे तरफ मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, अपन दूसरे में कुछ नहीं कर सकते और दूसरा भी अपने में कुछ नहीं कर सकता। कुछ समझ में आए? कितना बड़े सुख की चर्चा है, इतने बड़े आनंद की चर्चा हो गई कि तीन लोग बैरी बन करके दुख देना चाहे तो अभी हमें अनंत आनंद होगा। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को दुखी नहीं कर सकता। सारा विश्व हमें दुखी करना चाहे तो असंभव। जी आनंद सब हो गया, सम्यक दृष्टि का आनंद सब हो गया। आनंद माने अनंत भगवान जैसा नहीं, वहां अनंत की अलग बात है। यहाँ आनंद सब माने बस आनंद ही आनंद हो गया। पूरा विश्व मिलकर मुझे दुखी नहीं कर सकता, तो कौन दुखी करता है फिर? इसका ही भीषण अज्ञान। कौन दुखी करता है? क्या अज्ञान कि कोई मुझे दुखी करता है, यही इसका अज्ञान है। कोई दुखी करते ही नहीं। सरल दृष्टांत है बच्चों के लिए। अपन रेलगाड़ी में टिकट लेके बैठे तब दुखी होते हैं, या बिना टिकट चले तब दुखी होती है? तो कौन दुख देता है बिना टिकट? और टीसी नहीं आया तो दुखी नहीं होगा ना? अब कौन दुख दे रहा हूँ? टीसी भी नहीं आया अभी तो टीसी भी नहीं आया। अपन ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन मस्त चली जा रही है, तो दुख कौन दे रहा है उससे? मतलब टिकट लेके बैठते हैं तो अभी तो टीसी आता है, दुखी क्यों नहीं होती? और अब टीसी नहीं भी आया लेके अपन विदाउट टिकट बैठे हैं, दुखी कौन कर रहा है? ये है इसका भीषण अज्ञान। बिना टिकट चलने में आनंद बुद्धि, ये भीषण अज्ञान है। टिकट की चोरी करना ये भीषण अज्ञान है। इसका अज्ञान दुख दे रहा है। 100 रुपए बचाने के चक्कर में ये भयंकर दुखी हो गया। ये दृष्टांत दिया अपन ने, तो टीसी तो नहीं दे रहा है इसे, इसका ये अज्ञान दुख दे रहा है। 100 रुपए आनंद नहीं दिया इसको, 100 रुपए जो था ना बचाए थे इसने आनंद नहीं दिया,
ये इसका अज्ञान इसे दुखी करता है। चलो सरल करो थोड़ा सा प्रवचन को। एक द्रव दूसरे द्रव को सुखी नहीं करता। अब सारा विश्व तो धमकी देना मार डालेंगे, आप हंस के कहो मार डाल क्योंकि अज्ञान से दुखी होते तुम क्या मारोगे। ओ सुनो थोड़ी दूसरी तरफ से कह रहे, जो कहेगा हम तुम्हें मार डालेंगे तो अपन दुखी होंगे नहीं होंगे। बोले बोलो तुम दुखी एक ही शर्त पे हो सकते हो कि तुम्हें लगे कि मैं मरने वाला हूँ। जी अज्ञान है, तुम्हें मरने वाला मान लिया अपने को, ये शरीर मान लिया, इसलिए दुखी हो गए, अज्ञान से दुखी हो गए। और यदि तुम अपने को आत्मा जानते हो, अज्ञान नहीं है, तो तुम हंस के कहोगे मारो। आत्मा को तो मार ही नहीं सकते। आगे बोलो, कर्णादियों का भी सच्चा श्रद्धान होगा तो ये कहोगे इस देह को भी छू नहीं सकते। क्यों, कोई तुमको चक्कू मार सकता है कि नहीं मार सकता? क्यों नहीं मार सकता? हम तो ये कह रहे, दूसरी बात शरीर भी नहीं जाएगा, क्योंकि शरीर को भी चक्कू तभी मार सकता है जब असाधा वेदनी का उदय हो, कर्म का उदय, आयु कर्म हो तो कोई मार नहीं सकता। बताओ, अब अज्ञान से दुखी हो, वो मार डालने के अज्ञान से दुखी है और तुम्हें मर जाऊंगा इस अज्ञान से दुखी हो, वो तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। क्यों, चक्कू से मरोगे कि तलवार से कि बंदूक से है, कैसे मरोगे? अब मैं किसी चीज से मरूंगा ये अज्ञान है। आत्मा मरता नहीं है, शरीर मरता नहीं है, और जो शरीर का परिणाम होता हुआ दिखाई देगा ना, वो भी कर्म के उदय से ज्यादा नहीं होता, कर्म के उदय से कम नहीं होता। तो सुनो, मारने वाला भी अज्ञान से दुखी है, और जिसको आप मरने की बात सोच रहे वो भी अज्ञान से दुखी है, ज्ञान से सदा सुखी होगी। इसका क्या मतलब निकला? सुख इसे देता रहता है इसका ही सम्यक श्रद्धान। असच ही श्रद्धा कर लो बस खत्म। आई बात समझ में? नहीं आई? कभी आपने देखा घर में मम्मी डांटती है तो झूठी झूठी डांटती, सच्ची तो डांटती नहीं है, हड्डी पसली तोड़ देंगी। कभी कहा कि नहीं तुम्हारी मम्मी ने? कहा है ना, सबकी मम्मी कहती है, हमारी भी कहती है। लेकिन बच्चे को बिल्कुल दुखी नहीं हुआ। क्यों दुखी नहीं हुआ? उसे अज्ञान नहीं है। क्या अज्ञान नहीं है? कि मम्मी गुस्से में कहती है लेकिन हड्डी तोड़ती नहीं है, तो वो खुश रहता है। अम्मा बोलती रहती है, वो खुश रहता है। क्यों, दुखी कैसे होते हैं? अज्ञान से। आगे बात समझ में आई? अब मुझे थोड़ा आगे कहना है, सभी लोग इसमें मेहनत करना, सबसे ज्यादा कठिन पार्ट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। हमें 24 घंटे लगता है, यदि ऐसा नहीं होता तो हम दुखी नहीं होते, यदि ऐसा हो जाता तो हम दुखी नहीं होते, यदि ऐसा नहीं कहते तो हम दुखी नहीं होते। क्यों, टीचर तुम्हें डांट देते तभी तो तुम्हें दुख होता है। बोलो बोलो भाई, कौन कौन टीचर से परेशान है? हम टीचर को ही निकाल देंगे, जल्दी बोलो। बोलेगा टीचर का नाम जो तुम परेशान करते हो, बहुत मारते हो, डांटते हो, भटकाते हो, उन्हें निकाल ही देंगे कल सुबह। बोलो भाई, कौन से टीचर खराब है? हैं? अरे वाह, जो तुम्हें डांट देते हो, खड़ा कर देते हो, स्टैंड अप मुर्गा मुर्गा बन जाओ, तो बता ऐसे टीचर का नाम बताओ जो तुम्हें हैरान करते हो, बोलो जल्दी। कोई नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सका। कोई टीचर से डर नहीं लगता तुमको? बोलो, डरा नहीं? हाँ, वेरी गुड, अच्छा जवाब दिया। हम होमवर्क नहीं करते इसलिए डांटते हैं, हम पढ़ाई नहीं करते इसलिए डांटते हैं। तो टीचर से परेशान है जी, अज्ञान हो गया। टीचर खराब है जी, अज्ञान हो गया। टीचर खराब नहीं है, आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो टीचर डांटेंगे। हाय बात समझ आई? तो दुखी को आई थी टीचर से कि अज्ञान से? अब टीचर बदलने की जरूरत नहीं है। बोलो आगे, अपना ज्ञान सच्चा करने लायक है, पढ़ाई करने लायक, ये दृष्टांत हो गया। हम फिर कह रहे भैया, यदि इतनी बात समझ में आ जाए ना तो सम्यक दर्शन हो जाए। सम्यक दर्शन की गारंटी दे रहे हैं हम, सारा जगत इनसे परेशान है। मैं ऐसे कहता, सबकी नजर में कोई ना कोई हो जिससे परेशान है,
कहा बताए पंडित जी, तो बढ़िया मिलो सब कर, एक चीज के मारे परेशान थे। देख लेना पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में हर आदमी यदि एक बात कहेगा एक चीज से परेशान है बस। यहाँ हम कह रहे भैया तू पर से परेशान नहीं है, कहे से परेशान हो? अज्ञान से। अज्ञान दूर करने लायक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम आश्रम से तो दुखी है ना, जो सुबह शुभ भाव होते हैं पहले तो अशुभ भाव ही ले लें बच्चों के बीच में, उनसे अपन दुखी होते कि नहीं होते? बोलो भाई बोला ना, आश्रम तो दुखकार गणे नहीं लिखा है, लिखा ही नहीं लिखा आश्रम दुख कार घने रे बुद्धिमंत तेने। अच्छा सबको याद है, छठी वाले बच्चे को भी याद है, सातवीं वालों को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत जोरदार। इसका मतलब इस बार छोटे छोटे हैं लेकिन है मस्त। नींद आ रही किसी को? नहीं आ रही तो हो रही बढ़िया। तो ये बात पकड़ो, तो फिर आश्रम तो दुख देता है कि नहीं देता है? हैं? देता है? तुम तो अभी याद आते हो, कैसे पता? जो देर से आप कैसे बताएगा, जो पहले समझे भी बताई लिखा है आश्रम दुख कार गनेरा, तो आश्रम तो दुख देता है कि नहीं देता है? बोलो भाई क्या जवाब है? बोलो है? हाँ तो आश्रम दुख नहीं देता, इसका मतलब आश्रम के संबंध में अज्ञान है वो दुख देता है। अब कितने प्रकार का अज्ञान है तो अपन देखते हैं आश्रम के संबंध में। आश्रम ध्यान से सुनना सभी लोग, एक एक पॉइंट बना रहे हैं। आश्रम आत्मा के सामने अनंत का अनंत वा भाग है, और आत्मा कितना बड़ा है उसके आगे अनंतानंत, इतना बड़ा है आत्मा। अब ये अज्ञान है इसका, इसको क्या लगता है कि विकार बहुत बड़ा है और आत्मा की शक्ति बहुत कम है, जबकि आत्मा की शक्ति कितनी है? अनंत अनंत। अनंत भी कहते तो कोई दिक्कत नहीं, अनंत अनंत कहना चाह रहे हैं हम। इतनी बड़ी शक्ति है, आत्मा बहुत पावरफुल है। समझ आए भाई? भिंड के बच्चे, ये बच्चा भिंड से आया, इधर है बेटे सामने। हाँ तो लाइट चल रही चमक रही तुम्हारी आंखों में, इधर आ जाए। अच्छा तुम्हें चल लाइट चमकेगी, ऐसे बैठ जाओ हमारे सामने मुंह करके, तो अब लाइट नहीं चमकेगी। ठीक है, ये बच्चा आज हमसे पूछ रहा था कि आपने भिंड में वो सुनाया था रात्रि भोजन करने को, हम तैयार हम तैयार। देखो बच्चे को याद रह जाती बचपन की बातें, तो पहचान गए एकदम फटाफट। हमें भी याद हो गया भिंड का। समझ आई बात? क्या कह रहे थे हम? तो आश्रम दुखकार घनेरा है कि नहीं? कि नहीं? आश्रम की शक्ति है कितनी सी? एक बताओ, तुम्हारे पांव में इतनी सी फांस लग जाए, फांस तो जरासी होती है ना बांस की, इतनी सी को जरासी, तो तुम फांस से परेशान हो कि नहीं? अब कितने बड़े तुम लंबे छोड़ा लड़का 5 फुट के, और 5 इंच की भी नहीं चाहिए हो, 5 इंच तो बहुत होता है। तो 5 तो आधा सूत की है, बताओ आधा सूत समझते? सूत एक सूत की मोटाई की भी आधा हिस्सा बता ले, ये इतनी सी फांस, और पंडित हम मरे जा रहे इतनी सी फांस। अभी तुझे फांस नहीं मार रही, कहां तुम, कहां फांस, कहां आश्रम और कहां। अब इस बात को हम ऐसे समझाएंगे, समझना सभी लोग। क्या बताएं पंडित जी, हमसे झूठ नहीं छूटा, झूठ नहीं छूटा, झूठ कितनी सी है, फांस बराबर। तुम अनंत अनंत को ना हो, क्रोध नहीं छूटता ना तुमसे? क्यों क्रोध से परेशान कौन कौन है तुम में? बोलो कोई कोई परेशान है क्रोध से? गुस्सा कोई को नहीं आती, एक को आती बस है ना, दो को आती, चलो अच्छा 3 4 बस 5 6 बस 6 को आती बस। क्या बताएं पंडित जी, हम गुस्सा से बड़े परेशान है, गुस्सा बहुत खराब चीज है, ये नहीं छूट रही। सुनो तुम अज्ञान से दुखी हो, क्रोध से दुखी नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम अनंत गुना पावर वाले हो,
अपनी आत्मा की महिमा समझ जाओ तो एक सेकंड को क्रोध नहीं करोगे। बोलो एक दृष्टांत दे, सरल दृष्टांत दे दे। बोलो बेटी तुम्हारे 100 रुपए खो जाए तो दुखी होगे कि प्रसन्न होगे? दुखी होगे। लेकिन एक नियम है, तुम्हें पता नहीं, वो नियम का अज्ञान है ना तुम्हें, कि जिसका 100 रुपया खोएगा और रोएगा नहीं, वो 100 खोएंगे और रोएगा नहीं तो उसे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब बताओ 100 रुपए की खोएंगे तो कितने दुख, कौन कौन दुखी होगा तुम्हें? बोलो कौन कौन रोएगा 100 रुपए खोने पर? अब 1 करोड़ मिलेंगे ये पता लगने पर 100 रुपए का खोना दुख रूप नहीं लगता। ऐसे कहा मैं भगवान हूँ अरण सिद्ध के समान, सिद्धालय में चला जाऊं मैं, ऐसा भगवान बन जाऊं, क्रोध की दम क्या है मेरे सामने? मैंने अपनी शक्ति तो पहचाना। आपको पता है हाथी को कौन हरा देता है? चिंटी हरा देती, तो चिंटी में दम है हरा देंगे क्या? एक चुटकुला है, चुटकुला एक हाथी नीचे जा रहा था वृक्ष के नीचे से, वृक्ष से एक चींटी गिर पड़ी उसके ऊपर, सो वृक्ष वाली चींटी बोली दबा दे बढ़िया मौका है। कौन दबा दे? चींटी कौन को दबा दे? दबा देगी? बता दबा दे। अब चांट हाथी फिर भी रोज जोर जोर से ए, मर गए मर गए, चींटी ने दबा दो। ऐसे हो तुम हाथी बराबर शक्ति वाले हो और आज सिर्फ चींटी की दम वाली है। और गजब बात है, तुम अपनी शक्ति भूल गए तो जैसे हाथी अपनी शक्ति भूल कर चींटी से मर जाता है, चींटी से परेशान हो जाता है, चींटी उसकी सूंड में घुस जाए अब बेचारा कुछ नहीं कर सकता, सूंड के अंदर जाए काटने लगे अब कुछ नहीं कर सकता, तो दुखी होता है। तुम कितनी शक्तिशाली हो? आत्मा हो, आत्मा माने अनंत बल का धनी, अनंत शक्ति। और जैसे उसको पहचानो तो बताओ आश्रम बढ़ा कि आत्मा बढ़ा? आगे समझ में आया? तो पहला पॉइंट हो गया, आश्रम से दुखी नहीं है जी, आश्रम के अज्ञान से दुखी, मैंने आश्रम के बारे में जानते ही नहीं है। दूसरा दृष्टांत दे दे रहे, आश्रम में कोई दम ही नहीं है, क्षण भर में नष्ट हो जाती है। क्षण भर मतलब 1 घंटा 2 घंटा अंतर्मूर्त कह दिया, अंतर अच्छी सहेली अंतर्मूर्त। बोलो भाई इस पूरे चेतन भाग बराबर रुई रखी हुई, रुई तो कितने कितने जंगल की लकड़ी लाके जलानी पड़ेगी जब रुई गिलाए? बोलो भाई माचिस की तीली बहुत बड़ी हो गई, माचिस की तीली, हाँ हाँ एक चिंगारी, चिंगारी समझते हो, कई वो बिजली के तार की स्पार्किंग हो जाती है चिंगारी निकलती है, चिंगारी देखी नहीं देखी? चिंगारी बिजली के तार टकराती है जब चिंगारी निकलती है, और नहीं तो लकड़ी जलाते हो किसी घर में, कोई घर में लकड़ी जलती नहीं? जलती। तो तुम गैस राज्य में जन्मे हो, हम क्या करें, हमने तो चूल्हे वाले राज्य में जन्मे थे, जो लकड़ी लगाते थे तो एक लकड़ी जन कौन सी आती थी, बहुत चटकती थी वो, इतनी चटचट आती थी पूरे टाइम फुलझड़ी चलती थी उसकी। गलती से यदि खरीद ली एक बैलगाड़ी उस जमाने में तो बड़े रो रो के टाइम कटता था उससे, इतनी चिंगारी निकलती थी चट 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 चट। सुनो तो एक बात, आप 1 किलो रुई जलाने के लिए 1 चिंगारी, तो 10 किलो रुई जलाने के लिए कितनी चिंगारी चाहिए? अरे हिसाब तो लगाओ, 1 किलो रुई जलाने के लिए 1 चिंगारी और 100 किलो रुई के लिए, ये सही कह रहे कि सही? तुम बोलो सही, भिंड वाले क्या नाम है तुम्हारा? देव, वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम, बढ़िया। बोलो 1000 क्विंटल जलाने के लिए कितनी चिंगारी चाहिए? 1 चिंगारी। कमाल देखो, इतनी कमजोर है आश्रव, आत्मा के ध्यान की जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, आत्म की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भागते हैं। कर्म क्या कह, कर्म थर थर कांपते हो, अपन उन्हें देख देख के कांप रहे हैं।
मैंने ये अज्ञान, फिर कह रहे आश्रम से दुखी नहीं है, आश्रम के बारे में अज्ञान से दुखी है जी। दो हो गए पॉइंट, दो पॉइंट हो गए, आत्मा की शक्ति बहुत है नंबर वन। नंबर टू, वे आश्रम एक समय में ध्वस्त हो जाए, अंतर मुहूर्त में ध्वस्त हो जाए, ऐसा नहीं जानता। अभी तीसरा पॉइंट आश्रम के बारे में, आश्रम है वे उत्पन्न नहीं क्यों हुए, वे आश्रम उत्पन्न नहीं क्यों हुए जो जिनसे हम दुखी हो रहे थे। तो सुनो तुम तो क्या, अभी तीसरा पॉइंट थोड़ा सुनो ध्यान से, आश्रम को नष्ट नहीं करना है, आश्रम उत्पन्न ही नहीं होगी। कुछ कह गए हम, फर्क समझ में आया हो तो। दूसरे पॉइंट में तो थोड़ी कमजोरी रखी थी कि आश्रम को नाश कर दें, दूसरे पॉइंट में हमने कमजोरी रखी थी थोड़ी कि आश्रम का नाश कर दें, नहीं नहीं आश्रम तो नाश करने लायक ही नहीं है, उत्पन्न ही नहीं होगी। नहीं समझ में, समझो एक दृष्टांत दे रहे, तुम भूल जाओ तुम्हें भ्रम हो जाए, भ्रम हो जाए तुम्हें, तो एक घंटा तक भ्रम होता रहा, तो उस भ्रम का नाश करने के लिए तुम क्या करना पड़ता है। जैसे तुम अभी कमरा में जाओ, कमरा में एक रस्सी टंगी हुई, रस्सी समझते हो जूट की रस्सी, तो जूट की रस्सी में आगे मुंह बांध देते ना उसका एक कटे हुए छोर पर ऐसे बांध देते, तो छूछना निकल आती, छूछना समझ गए, तो वो सांप जैसा लगने लगता है, जी गठान बन गई, वो छूछना निकल आए, समझ में आएगी नहीं आएगी, रस्सी देखी नहीं देखी। अब रस्सी राज भी तो नहीं रहा तुम्हारे यहाँ, हमारे जमाने में रस्सी राज था, कुएं में पानी भरना पड़ता था, तो जूट की रस्सी से खूब पानी भरा, रस्सी से अभी तक हम स्वस्थ है। तुम्हारे तो देखो बना के दिखाते हैं बच्चे को, देखो रस्सी होती है ना रस्सी, तो देखो जी जी कान बन गया, जी गठान बनी, और जो छूने निकल आए थे, अब ऐसी रस्सी में टंगी थी ऐसी, अब तुम गए पर सांप एकदम दम छोड़ के भागे सांप, तो तुम एक घंटा तक भ्रम रहा, ठीक। इस भ्रम का नाश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आग लगाने पड़ेगी, बताओ बताओ क्या करना पड़ेगा। तो जैसे ही अपन ने जाना पॉइंट पर, जाना ये रस्सी है, जाना ये रस्सी है, तो पुराना भ्रम नाश करने के लिए क्या करना पड़ा, अब नया भ्रम उत्पन्न नहीं हुआ, ये तो हो गया, नया भ्रम उत्पन्न नहीं हो, पुराना भ्रम का क्या करोगे एक घंटे का, ये तो बताओ, बोलो क्या करना है, बोलो। हम जो कह रहे हो भैया एक घंटे का भ्रम है ही, कौन नाश करे उसका, ऐसे आश्रम का नाश करे कौन, आश्रम उत्पन्न ही नहीं होगा, भ्रम उत्पन्न ही नहीं होगा, तुम अपने को आत्मा जानोगे तो भ्रम उत्पन्न ही नहीं होगा। तुम अभी लड़का हो कि लड़की हो, देव लड़का जी, तुम भी लड़का और तुम लड़का, अब जी आश्रम हो गया, ये अपने को लड़का मान रहे जी आश्रम हो गया, आश्रम जी तो आश्रम था, अब जी तुम भ्रम हो गया, तुम आत्मा को लड़का मान रहे, लड़का हो कि आत्मा हो, चलो इसने तो जल्दी से बोल दिया, तुम बोलो क्या महीना में बोलोगे है पक्का, तो तुम फिर तुम दो बैठे ये भी बैठे है? एक एक बैठी हो तो लड़के ही बैठी हो फिर, तो बोलो भाई जी, बोलो कौन बोलेगा, बोलो बेटा तुम ग्यारहवीं में हो है? एक ही बैठे, ये तो एक ही बैठे ना, तुम बोलो भाई एक बैठे कि दो बैठे थे है? सब एक ही बैठे, शरीर और आत्मा दो नहीं बैठे, तो हम वही तो पूछ रहे हैं, एक बैठे कि दो बैठे, बोलो भाई ये दो बैठे कि एक बैठे थे, अबे भी एक ही बैठे, सोचो इस शरीर में से आत्मा चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, और तुम यही रह जाओगे तो तुम कौन है, हमें आत्मा की शरीर आत्मा, तो तुम चले जाओगे और शरीर यहीं रह जाएगा, पक्की बात है, तो अब ये सच्ची बात है कि झूठी बात है। अब तुम फिर से बताओ, तुम दो हो कि एक हो, दो दो, अब बता दो, अपने एक बच्चे बेटा आए थे ना मुहारी का, आकाश नाम था, क्या नाम, नहीं बहुत साल, तुम तो पता ही नहीं था, अब तो साफ बन गया, हुई दो बच्चे आए थे,
ऐसी बैठ गया था जैसे आज बैठे थे बच्चे लोग, तो उस समय सात तत्व चल रहे थे, जीव अजीव बैठा है हमने, जीव अजीव हमें कब आकाश, तो एक हो कि दो, इतना भोला मासूम बच्चा था, ऐसे कहता हम घर से तो एक आए थे मुहारी से, ये तो आके दो हो गए भाई, तुम दो को एक मानती, यही तो भ्रम है, यही तो आश्रम है, अभी इस आश्रम का नाश नहीं करना है, तुम दो को दो जान लो तो आश्रम खत्म हो गया। रस्सी की सांप बनी थी कि नहीं बनी थी बताओ, तो तुम डरेगा मुझे, तो तुम रस्सी को सांप माने इसलिए डर रही थी, अब डर को मिटाने के लिए क्या करना पड़ा, सांप भगाना पड़ा और रस्सी लाना पड़ी, क्या करना पड़ा, होते सांप भगाए और रस्सी ले गए, क्या करा बता, समझ आई बात, अरे वहां सांप ही नहीं रस्सी थी, सांप था क्या वहां, सुन रहे हो, सांप और रस्सी समझ में आ रही कि नहीं, क्या बोलो, इसको समझ नहीं आया, इधर आ मेरे पास, लाइट पड़ रही है आंखों में, दिखाई नहीं देता, इधर जा, जीबा क्या नाम है तुम्हारा, अंश, क्या बात है, इस बार छोटे छोटे नाम वाले बच्चे आए ना, अंश और देव, चलो बढ़िया है, तो बोलो, तो आश्रम का नाश करना ये तो बहुत लंबी चौड़ी रामायण हुई, आश्रम का नाश नहीं करना है, आश्रम उत्पन्न ही नहीं होगा, अब बताओ तुम अभी कमरा में जाओगे तो दो जाओगे या अकेले जाओगे, बोलो, तो तुम यही रह जाओगे, शरीर चला जाएगा, नहीं तो आत्मा चली जाएगी, शरीर नहीं रह जाएगा, मैंने अभी तुम कमरा में जाओगे ना हॉस्टल में, तो तुम दो जाओगे एक जाओगे, दो तुम कितने जाओगे, तुम भी तो ही जाओगे, एक तुम और एक एक शरीर एक आत्मा, अब जी भ्रम दूर हो गया तो आज सब खत्म हो गया, बस करा, बोलो ये शरीर मोक्ष में जाता है कि आत्मा, तो तुम कौन हो इसमें से, शरीर हो कि आत्मा, शरीर को तो जला के राख कर देंगे, जला दे देंगे, जला दे तुम्हारे गांव में कि सजा के रख ली घर में, जला दिए, इतना अच्छा शरीर, बताओ क्या कह रहे, इतना बढ़िया शरीर जलाना चाहिए रखना चाहिए हैं, तो फिर तो तुम कौन हो, फिर जलने वाले कि रहने वाले, पक्की बात है, तो अब तुम्हें यहाँ से हॉस्टल में कौन कौन कितने लोग जाएंगे, अकेले जाओगे दो जने जाओगे, दो जाओगे बराबर, तो तुम कौन हो इसमें, शरीर की आत्मा, आत्मा, अब इतनी समय मजा है, जी का मजा है, चिंगारी लग गई, काहे के आश्रम कहाँ का क्या, आश्रम के बारे में तीसरी बात हो गई, आश्रम उत्पन्न ही नहीं होगा, भ्रम उत्पन्न ही नहीं होगा, तुमने पढ़ी महावीर स्वामी की 10 शिक्षाएं, 11 शिक्षा, 11 शिक्षाएं पढ़ी, एक उसमें बहुत अच्छी शिक्षा है याद हो तुमको, तो बारहवें तीन में काय में महावीर, बारहवें दो में महावीर भगवान की शिक्षा है, बहुत बढ़िया, तो उसमें ये शिक्षा है, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है, क्या बोला सर, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है, तो अभी आप बताओ आत्मा को सुखी करना है कि शरीर को दुखी करना है, सोच के बोलो भाई, आत्मा को सुखी करना है कि शरीर को, बोलो भाई क्या करना है, देखो क्या कमाल है, आत्मा को जानते थे सुखी हो गए, और शरीर को तो सुखी होने का प्रश्न ही नहीं है, दुखी होने का भी प्रश्न नहीं, तो फिर सुखी दुखी होने किसके लिए करना है, सुखी दुखी बाप जान नहीं, बस करना धरना, कुछ कुछ करना ही नहीं बच गया, इसलिए आश्रम उत्पन्न ही नहीं हुआ, आश्रम नहीं उत्पन्न हुआ माने भ्रम उत्पन्न ही नहीं हुआ, राग देश उत्पन्न ही नहीं हुआ, बोलो भाई बुखार किसको आता, तुम में से किसी बुखार आता है, जिसको आता है हाथ खड़ा करो जल्दी से, तुमको आ जाता है, देव को, इसको भी जाता है, हैं क्या, इसका नाम विशेष है, अच्छा विशेष को दो जनों को आता है बुखार, कोई नहीं आता, तीन को आ जाता है, एक पीछे भी आता है, बहुत बड़ी, और कौन कौन को आता है बुखार, जल्दी बोला है, अभी मान के ही नहीं रहा, तुम ही कह रहे हो उनकी तरफ से, भैया तीन को आता है और कोई को भी आता है, जल्दी बोलो,
बहुत बड़ी, सही बोलो, जोर से बोलो। हाँ तो फिर तुम हमने क्या पूछ ली, तुम्हें बुखार आता है कि नहीं आता है? कौन को? जल्दी बोलो। अच्छा सही को, तो आत्मा को तो बुखार नहीं आता ना? पक्का याद रहेगी, भूल जाओगे? याद रह जाएगी। तो भूख तुम्हें से भूख कौन कौन को लगती है? भूख नहीं लगती तुमको? सुबह रोटी नहीं खाते तुम लोग? कौन खाता है? हाँ ये से वेद विज्ञान करा, यही तो सीखना है अपने को। समझ में आया कि नहीं आया? डांट कौन को पड़ती है? शरीर को पड़ती है। तो दुखी कौन होता है? अब सोच के बोलो। आत्मा दुखी होता है जबकि शरीर शरीर को देख के कह रहे अरे कल्लू, उन्होंने कही कल्लू हो जी, आत्मा दुखी हो जी, को जी दुखी नहीं होता? शरीर को क्या दुखी होता है बता? जैसे कोई मर जाए तो उसे छिड़ाए अपन सब मिल गए कल्लू, तो दुखी होगा कि नहीं होगा शरीर? तो आत्मा गोरा होता है काला होता है? है? आत्मा कौन से रंग का होता है? अरूपी। वेरी गुड, गोरा काला नहीं होता। तो आज के बाद तुम दुखी होगी नहीं होगी? है? क्यों दुखी नहीं होगी बोला? कि जिस जो गोरा काला कह रहे वो तो वो मैं हो ही नहीं, वो मैं हो ही नहीं, वो तो शरीर है। बराबर, तुम में से अभी लंबाई किस किस को बढ़ाने की इच्छा है? वजन भी लंबाई बढ़ानी है ना, तो तुम्हारी लंबाई कितनी चाहिए तुम्हें? तुम्हारी लंबाई पूछे, तुम्हारी हो, तुम्हारे शरीर की नहीं। देखो ये अनादिकाल का अभ्यास संस्कार है, झट ऐसा लगता है हमारी हमारी हाइट कम है। तुम्हें से हाइट कौन कौन की कम है? अब तुम शरीर हो कि आत्मा? पहले जैसे हो जो भूत फिर लग गए थे तो तुम आत्मा हो, तो आत्मा की हाइट कितनी होती है? सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। शरीर का मॉडल छोटा बड़ा है तो वो तो अपने आप बड़ा होना तो हो जाएगा, नहीं होना तो नहीं होगा। लेकिन आत्मा जबरन दुखी हो रहा है, ठीक है? तो मैं से कौन कौन सोएगा आज रात? बोलो बेटा, बढ़िया बच्चा है, तुमसे पूछ रहे हैं क्या नाम तुम्हारा? संदेश। बात जोड़, कितने बच्चे आ गए इस साल? टोटल 37 है। 37, बहुत बढ़िया। बोलो संदेश, आज रात को सोगे नहीं सोगे? तुम नहीं सोगे? जी आया जवाब, ऐसे जी आया, बढ़िया जवाब, बहुत सुंदर, अच्छा जवाब दिया संदेश ने। इसका मतलब सिर्फ दिमाग है। बोलो, समझ में आ रही है? सुबह कौन कौन जगह है तुम्हें से? हाँ, अपन तो सदा जागते हैं। आपको पता है शरीर सोता है उस समय भी आत्मा तो देखा कि नहीं देखा तुमने? आत्मा जगता है रात को भी, सब जानता है, वो सपने को जानता है नहीं जानता? मच्छर आ जाते कान में, संगीत सुनाते तो नहीं मालूम पड़ जाती है आज मच्छर? नहीं नहीं मालूम पड़ता तुमको? तो सपने में भी करवट बदलने लगते हैं, करवट क्यों बदलते हो आप? आत्मा उस समय भी जानता है, आत्मा कभी भी अनजाना रहता नहीं है। भाई ये भेद हो गया। तो जैसे ही आपको आत्मा समझ में आया, आश्रम रुकना शुरू हो गया, उत्पन्न ही नहीं हुआ। रुकना शुरू हो गया मतलब उत्पन्न ही नहीं होगा। बोलो भैया, तुम्हें आश्रम करना है कि आश्रम उत्पन्न ही ना हो ऐसा करना है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बच्चे आ गए तो मजा आ गया है, बहुत सुंदर। तो अभी आगे बढ़ाए थोड़ी सी बार, नींद तो नहीं आ रही? अच्छा, घड़ी और घड़ा में क्या फर्क हो? हाँ जी, इसने बताया, घड़ी और घड़ा में एक मात्रा को अंतर है, वहां एक ही मात्रा, वहां में आखी मात्रा। बोलो, घड़ी और घड़ा में क्या अंतर है? एक ही मात्रा और आखी मात्रा, बस। तो एक काम करो, घड़ी घड़ी दे रहे हम तुम्हें घड़ी, मैं पानी भर लिया।
है, इतना से तो अंतर है, मात्रा को तो अंतर है उनका, पानी भर लिया। और अब घड़ी तो है नहीं अपने पास, घड़ा रखो है वहीं, मात्रा क्या करो लगा देगी, और घड़ा में घड़ी देख ले, टाइम देख ले। भैया घड़ा और घड़ी मात्रा की बात नहीं है, सही में आया, मात्रा की बात नहीं है, बहुत अंतर है। एक पानी भरने काम आता है और एक समय देखने काम आता है। इतना तो समझ गए कि नहीं समझ गए, ये तो हमने दृष्टांत दिया, यहां से यह समझो बेटे। निज को निज पर को पर जान, निज और पर में बहुत अंतर है। निज और पर का कौन मतलब बताया इधर, शरीर और आत्मा, आत्मा निज और शरीर पर, दोनों एक ही है, कहां भर पड़ रहा, एक ही बात तो है, का घड़ी और का घड़ा, एक ही बात है मन का, क्यों घड़ा से घड़ी बन गई, नहीं छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, घड़ा से घड़ी बन गया, क्यों बोलो, समझ में आ रही है। भैया आत्मा को जानने पर आश्रय उत्पन्न ही नहीं होगी, भ्रम उत्पन्न ही नहीं होगा, समझ में आई बात। बच्चे बैठे थोड़ा सूक्ष्म और करते हैं सूक्ष्म, बच्चे तो समझ जाएंगे, बड़े लोग बड़ी नहीं समझेंगे, छोटे समझ जाएंगे, समझा दे बोलो, ये थोड़ी सूक्ष्म बात। अब ये बताओ कि लड्डू खाने पर सुखी कौन होता है, सोचो भाई संदेश, लड्डू खाने पर मजा किसको आता है, शरीर को कि आत्मा को? यदि शरीर को मजा आता है तो मुर्दा को खिलाओ, मुर्दा को लड्डू खिलाओ तो मुर्दा नाचने लगे, मजा आ गया क्यों भाई बोलो विशेष, मुर्दा को लड्डू, मुर्दा को आइसक्रीम खिलाओ, खिलाओ मुंह में चली आएगी, सरकती चली आएगी नीचे, बोलो भाई क्या होगा, ये तो पंडित है, क्या बात है, कोई पंडित जी का बेटा था, तो सुखावास कहाँ से सीखा है, बढ़िया कौन है सिखाया तुमने, हाँ और वेरी गुड, अच्छा कहाँ के रहने वाले, कदवा है, प्रवचन होते गजा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, सुखावास है। अब हम बता रहे, सुनो जरा ध्यान सुनो, थोड़ी काम कर भाई, ये सुख का भ्रम हो गया, जैसे सुखावास तो सुख का भ्रम हो गया, ये सुख का भ्रम है ना, यही तो आश्रय है, हम सुखी होने के नाम पर आइसक्रीम खाना चाह रहे, रसगुल्ला खाना चाह रहे, सुखी होने के नाम पर जाने क्या क्या करना चाह रहे, यही तो आश्रय है, आश्रय माने दुख, आश्रय माने दुख, बोलो भाई तुम्हें सुखी होना तो आइसक्रीम खाओगे गुलाब जामुन, बोलो सुखी होने के लिए, अब जी 24 घंटे यही प्लान बनाता है, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, कल रसगुल्ला बनेंगे मजा आ जाएगा, परसों खीर बनेंगे मजा आ जाएगा, और जी मजा आने के नाम पर जो खीर रसगुल्ला सोच रहे हैं ना, जी आश्रय है, याद रह जाएगी बात, तुम्हें सुखी होना तो क्या क्या याद आती है, अभी गर्मी के दिनों में पंखा चाहिए कूलर चाहिए, पंखा कूलर ठीक है, तो जी तो आश्रय, शरीर को गर्मी लगती है कि आत्मा को, अब कमाल की बात है ना, शरीर को लगती, शरीर को लगे तो मुर्दा को भी लगनी चाहिए, क्यों गर्मी के दिन में मुर्दा क्या करता हो, हे मरे जागे यार पंखा तो लगाओ बोलो क्या होता है, बोलो क्या कहा मैंने ना तो शरीर को लगती गर्मी, और आत्मा उस गर्मी को मात्र जानता है, और ये सोचता है मैं दुखी हो गया, अब फिर से सोचो आत्मा को सुखी दुखी कौन करता है, आया समझ में, एक अज्ञान ही मुझे दुखी करता है, सुखी होने के नाम पर भी और बाहर भाग रहे, और दुखी होने के नाम पर भी बाहर, बच्चों को एक दृष्टांत दे रहे, सुखी दुखी होने के नाम पर बाहर भागना आश्रम है, क्या बोला हमने, क्या कहा बेटे हमने, ए हीरो अंश कहाँ गए तुम, बोलो बेटे तुम बोलो, सुखी दुखी होने के नाम पर ये क्या है आश्रम, अब मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, गर्मी के दिन थे मई जून समझते, मई जून की गर्मी, भयंकर गर्मी, 2 बज रही थी, 2 और लाइट आती नहीं, सुबह पसीना आ रही थी मोड़ा बहुत जम के, अंश तुम्हें पसीना आता है कि नहीं आता, आता है, अब लाइट है नहीं,
और पंखा है नहीं, कूलर है नहीं, उनको भयंकर पसीना आ रहा है, तो सुखा भी गलाज क्या करोगे? तो हवा तो चल नहीं रही। एक तरीका है, दौड़ लगाओ जम के सड़क पर। अपन तेजी से दौड़ेंगे तो हवा लगेगी नहीं लगेगी? तो फिर हवा लगेगी जब अपन दौड़ेंगे तो पसीना सूख जाएगी नहीं सूख जाएगी? अब ऐसे अनादिकाल से चल रहा है, पसीना सुखाने के लिए दौड़ रहा है आदमी, अनादिकाल से सुखी होने के नाम पर बाहर दौड़ रहा है। बिस्तर मिल जाए तो मजा आ जाए, रसगुल्ला मिल जाए तो मजा आ जाए, पत्नी मिल जाए तो मजा आ जाए, नौकरी मिल जाए तो क्या होता है? रुपया सबसे बड़ा आगे क्या है इसके? बोले बोले जोर से बोले। वाह बहुत बड़ी बिंड मुझे क्या बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो नोट देते तो सही होते, बाप तो बहुत बड़ा होता, बड़ो कैसे होगा? बोलो कौन समझाएगा बच्चों में जी? मैंने पैसा इतना बड़ा लगता है ना, पिताजी दिखते हैं ना, पिताजी की मर्यादा दिखती ना, पिताजी का सम्मान दिखता, सही बात है कि नहीं? बोलो और आगे बोलो। पैसा के सामने इसको ना धर्म दिखता, ना कर्म दिखता, ना नरक दिखता, ना स्वर्ग दिखता, इसे कुछ दिखाई नहीं। और अच्छी भाषा में बोलो, पैसे के सामने इस आदमी को अपना आत्मा का हित अहित दिखाई नहीं देता। क्या नाम का इसका नाम आश्रय है? सुखी होने के नाम पर दौड़ लगा रहे थे ना वो, ऐसे सुखी होने के नाम पर। अभी तुम पढ़ाई करने के लिए घर से दौड़ लगा के आ गए, अब कमाई लगाने के लिए अमेरिका चले जाओगे? बोलो अमेरिका की नौकरी मिलेगी तो जाओगे नहीं जाओगे? चले जाने कितने लाख चाहिए? बोलो देव कितने चाहिए? अंदाजन भी बोलो, एक आध करोड़ नहीं, एक आध रुपया। बोलो कितने चाहिए? 50,000। कितनी दौड़ है तुम्हारी? हमारे जमाने में तो इतनी दौड़ थी नहीं। अब आजकल के बच्चे तो 50,000 की तो सोचे तो यू कहो नहीं। बोलो भाई कितने चाहिए तुम्हें? 1 अरब। ले भाई 1 अरब कह रहे थे मैंने, इस 1 अरब रुपए के लिए हम कहीं भी दौड़ने तैयार। बोलो सुखी कब हो जाएगी? आप अमेरिका चले जाओगे, मंदिर नहीं मिलेंगे, मम्मी पापा नहीं मिलेंगे, देव गुरु धर्म नहीं मिलेंगे, अनचना पानी पीने पड़ेगा वहां पर, मांस अंडे की सब्जियां बनती है वहां पे। बोलो कौन कौन जाना चाहता है? कोई नहीं। है 1 करोड़ मिलेंगे? बोलो क्या करोगे? बोलो आई समझ आई बात? तो आश्रम का मतलब समझ में आया? आश्रम का मतलब कि जो दुख है ना, वो दुख ये पर से सुखी होना चाहते हैं, इसका नाम दुख। क्या बोला हमने? पर से सुखी होना चाहता है, इसका नाम, इसका नाम आश्रम है। आश्रम मतलब दुख है। अभी तुम बच्चे मोबाइल कौन कौन रखता है? तुम्हें कोई नहीं रखता मोबाइल? नहीं रखती ना मोबाइल? अब कल्पना कर, हम सबको मोबाइल लाने की छुट्टी दे दें तो तुम सुखी हो जाओगे दुखी हो जाओगे? सुखी हो जाओगे। बोलो भाई ये बच्चा तो कह रहा है सुखी हो जाएंगे, मोबाइल दे दें इनको अनुमति। कहो भाई कोटे दाज इन बच्चों को अनुमति दे दो, बेचारे मोबाइल के बिना दुखी है सबके साथ। कहो भाई दिलवा दे अनुमति भाई, तुम तो कह रहे मोबाइल के बिना दुखी। बोलो भाई मोबाइल ले आओगे तो फिर सुखी हो जाओगे ना? बोलो जल्दी। तो हाँ हम पूछ रहे, मान लो तुमने 500 का मोबाइल लाए और जो 5,000 को ले आओ सामान, और जे बीसीएस है ना जे 25,000 को ले आए, तो तुम तीनों जने ऐसे दुखी हुई जो और जेलेसी जेलेसी समझते हो? ईर्षा जी 25,000 को लाया जी 25,000 को, हम बोलो तो यहाँ सो ये 500 रुपए टीको नहीं दुखी नहीं होगे? बोला अभी किसी पास मोबाइल नहीं है तो तुम दुखी नहीं हो, समझ में आएगी नहीं? अब सबके मोबाइल होते अलग अलग कंपनी के क्वालिटी के, तो हर बच्चा दुखी होता। क्यों? जाको बहुत अच्छा, वो क्या जाको अच्छा, वो क्या बाबा अच्छा। लेकिन सुनो
आत्मा को सुखी होने के लिए बाहर की कोई सामग्री चाहिए ही नहीं, और इसलिए वो पल की ओर नहीं देखता, तब अनंत सुखी हो जाता है। सिद्ध भगवान क्यों सुखी हैं? बोलो भाई, बहुत प्यारा जवाब आना चाहिए। सिद्ध भगवान सुखी क्यों हैं? क्योंकि एक तो इनके पास बढ़िया, एक तो इनके पास लैपटॉप है बढ़िया वाला, एक मोबाइल है और एक इंटरनेट है। कहो क्या क्या है, बोले अब देखो, एक भी पर पदार्थ की ओर नहीं देख रहे, दिखता सब है, दिखता सब है, और कहीं सुखी आशा से नहीं देख रहे थे, इसलिए अनंत सुखी हो गए। बोलो भाई, तुम्हें सुखी होना है, कितने मोबाइल चाहिए? बोले देव, बोले जल्दी, नहीं एक तो चाहिए पड़ेगा, मैं बर्थडे हो जाए जब नहीं चाहिए पड़ेगा। बोलो बोलो भाई, मोबाइल रखोगे नहीं रखोगे बारहवीं के बाद? अब पंडित जी मोबाइल तो चाहिए पड़ा, वो ही तो प्राण है, प्राण है। सच बता रहे, जितने लोग मोबाइल रखे उनकी हालत देख के आप, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मोबाइल भारत में चलाया जा रहा है, एवरेज 6 घंटा, एवरेज समझते हैं, एवरेज मैंने, कोई कोई लड़का 18 घंटे चला रहे होंगे, कोई 14 घंटे चला रहे होंगे, और कोई बच्चा आधा घंटा चला रहा होगा, उन सबको जोड़ जाड़ के भाग दे दो तो एवरेज निकल आएगा। 6 घंटे समझे, 8 घंटा सोवे में चले गए तो एक तिहाई जिंदगी चली गई सोवे में, मनुष्य जन्म का एक तिहाई समझे, वन थर्ड, 60 साल जिंदा रहना था तो 20 साल सोने में चले गए, कायम चले गए सोने में। अब बचे तो 6 घंटा मोबाइल में चले गए, 14 घंटा हो गए, 8 और 6 14, और 1-1.5 घंटा नहा वो दे वो, कपड़ा धो वो, लेटरिन बाथरूम मंदिर पूजन पाठ, 2-1 घंटा जहां भी समझ लो, 1 घंटा बीत गए 16, तो 40 साल से ऐसे ही खत्म हो गए जाके। अब मान लो जो कमाई ममाई करेगा, कब पत्नी को देखे, कब बच्चों को देखे, कब माता पिता को देखे, कब देश को देखे, कब धर्म देखे, कब आत्मा को देखे, कब जिनमानी पड़ेगा, बेचारे की 24 घंटे ऐसे बीत गए। इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ, 6 घंटा मेरे जो मोबाइल वाली जिंदगी एक्स्ट्रा जी रहा हूँ। क्या कहा हमने मुकेश कोटे साहब, कहा है, क्या कही हमने, क्या कहा हमने, बोलो, बोले ही नहीं, कहीं गए थे क्या? जल्दी बोलो, मैंने क्या कमाल है, 6 घंटा जिनके पास मोबाइल नहीं चला रहे वो एक्स्ट्रा जी रहे, जिनके हाथ में एक मोबाइल आ गया उनकी जिंदगी के 6 घंटे खत्म हो गए, 8 घंटे सोने में चले गए, 6 घंटे वहां में चले गए, और फिर बीमारी सुख दो खान पान बनाना झाड़ू पहुंचा, जिंदगी बची कहां आत्मा के लिए? समझ में आई बात बेटी? अभी और बताएंगे, अलग से कक्षा लेंगे आपकी, तब आपको बताएंगे। जिंदगी में मोबाइल से बच के रहना, जैसे मशीन गन होती ना, मशीन गन बाकी सामने जाने चाहिए पीछे रहने चाहिए, बच के रहने चाहिए, ऐसे मोबाइल है मशीन गन है। हमने देखे नया, अभी बहुत अच्छा दृष्टांत सोचा हमने इसके लिए, सुन लेना सब लोग, रिपीट करना, फिर चलेंगे अपन है सबके साथ। चक्रव्यूह नाम सुना, चक्रव्यूह, चक्रव्यूह कहाँ बनाया गया था? चक्रव्यूह में कौन घुसा था? आई मंदू, फिर निकल आया था, नहीं निकल पाया। यहाँ से जी मोबाइल चक्रव्यूह है, एक बार मोबाइल लिया और वो मोबाइल घूमत रहे, जैसे चक्कर चलता रहता है ऐसे घूम रहे, और चक्रव्यूह में घुस जाओ निकलो मुश्किल है। बाढ़ सेब के नाम पता नहीं गाँव के मोड़ा मोड़ी का करा, बाढ़ सेब कहा होते, बाढ़ सेब जा रन बा में देर में टाइम खराब कर दे, छोटे छोटे बच्चे और सेल्फी भेज रहे, सेल्फी अभी फोटो खींच रहे, जाने क्या बहुत उपद्रे है वहां में, मुझे कितना टाइम चला गया ये तो सोचो, कि किस कारण चला गया? पर में सुख की आशा से जी आश्रय उत्पन्न हो गया, और पर में सुख की आशा नहीं हो तो आश्रय उत्पन्न नहीं हुआ, इसका नाम संभल हो गया। ठीक है, सभी लोग विचार करना, तो कौन दुख दे रहा है तुमको? मोबाइल। बोलो भाई, संयोग सामग्री पर्द्रव तुम्हें दुख दे रहा है?
ये आश्रम तुम दे रहे। हाँ शुरुआत से जिन्होंने सुना उनका उत्तर सही आया। कौन गाएगा ये लाइन याद हुई? दुख इसे देता रहता रे इसका ही भीषण अज्ञान। गाओगे सब लोग? ये याद कर लो लाइन। दुख इसे देता रहता इसका ही भीषण अज्ञान। याद हुआ किसी को? जितने बच्चों को याद हुआ अभी बोले। दुख इसे देता रहता है इसका ही भीषण अज्ञान। इसका भीषण अज्ञान है ये दुख देता। दुनिया में कोई तुम्हें दुख नहीं दे रहा, नहीं तो दुखी हो रहे अज्ञान से, यही तुम्हारे लिए आश्रम खड़ा हो गया। बराबर है? चलो अंतिम दृष्टांत दे दे। शक्कर में मीठा करने के लिए क्या करना चाहिए बता दे। बोलो भाई शक्कर में मीठा करने के लिए क्या करना चाहिए? अब शक्कर का मीठा करने के नाम पे जितने उपद्रव करोगे वे ही आश्रम है। अरे शक्कर में मीठा करने की जरूरत नहीं, शक्कर को मीठा जानने की जरूरत है। क्या बोला? शक्कर मीठा करना है कि शक्कर मीठा जानना है संदेश? जानना यहाँ से आत्मा को सुखी करना है या आत्मा को सुखमय जानना है? अरे इसे सुखी करने के नाम पर दुखी हो रहे थे जगह, और जैसे सुखमय जान लिया तो सुखी करने का प्रयत्न खत्म हो गया, विकल्प खत्म हो गए तो आश्रम खत्म हो। बस बोल दिया हमने। क्या बोला हमने? जैसे शक्कर को मीठा नहीं करना है ऐसे आत्मा को सुखी नहीं करना है, मात्र उसको जानना है तो सुखी करने के नाम पर जितने परावलंबी हो रहे थे वो परावलंबन मिट गया तो आश्रम मिट गया। बराबर समझ में आई भैया? तो अब हॉस्टल में कितने 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 जाने जाओगे? अकेले अकेले जाओगे? दो दो जाने जाओगे? दो दो जाने जाओगे? ठीक है, फिर दोनों में से दो जने सो जाएंगे कि एक सोएगा? एक सोएगा। जगह कौन? शरीर। अच्छा तुम आत्मा हो कि शरीर हो? अच्छा रोटी खावे कितने लोग जाओगे? हाँ जाएंगे दो, एक खाएगा और एक जानेगा। ये खाएगा जानेगा। बराबर कितने हो? अब कितने हो गए? दो हो गए। याद रहेगी? भूल जाओगे संदेश? याद रह जाएगी पक्की? तो अब यार कमरे में यही बातें करोगे समय ना, चल भैया एक को सुलाओ। क्यों भाई एक कमरे में कितने लोग सोएंगे? चार सोएंगे। तुम्हारे कमरे में चार सोएंगे और चार चार मजा आएगा? नहीं आएगा मजा? मजा आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे जानते जानते भगवान बन जाते हैं बेटे। जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये शरीर है शरीर, आत्मा अलग है शरीर अलग है, ऐसा जानते 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 भगवान बन जाएंगे। तो मैं तो कौन को भगवान बनना है? एक को बनना है बस, दो तीन चार पांच। चलो ठीक है भैया, बाकी जिनके हाथ नहीं खड़े हुए कहीं भी जाएगी भैया बच्चा लोग तो हम मोक्ष जाएंगे ना। भगवान बनना है देव को छोड़ के ना, अंश को, अंश को तो यही रहना है। कब अंश कहाँ जाना है? क्या? अभी तो पलट के घर जाए दिवाली में। अच्छा चलो तुम दिवाली वहां से आके फिर तो जाओ भगवान बनो, नहीं बनोगे। चलो तो भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो जल्दी से। जीव और शरीर, जीव और अजीब का भेद विज्ञान करना पड़ेगा, जल्दी बोलो। एक बार फिर बोलो, भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान बनने के लिए क्या कठिन काम करना पड़ेगा? कठिन है कि सरल है? पक्का? कौन लिखेगा? कौन लिखेगा? लिखोगे कि नहीं? एक लिखेगा एक लिखेगा, लिखेगा मतलब जाने में लिखेगा। इतना सरल कहा है? देखो बच्चों की भाषा में समझा दिया, आप लोग भी लगा ले रहे हैं। ऐसे नहीं समझ, बच्चों को लाने बता रहे हैं भगवान क्या करें, मोड़ा मोड़ी सीख रहे अपन दस के आता दस्ता है कि नहीं? नहीं सही में इतना सरल कहा है? श्रीमद राजचंद जी थे, ऐसे छोटे छोटे भेद विज्ञान करते थे श्रीमद राजचंद जी। जी कहते थे हमारा शरीर
हमारा शरीर, हमारा नहीं बोलते थे, हमारा शरीर, हमारा मन समझते हो, मेरा नहीं, आ माने नहीं, मारा माने मेरा, हमारो शरीर, हमारो समझिए, हमारो कोट, हमारो चश्मा, हमारी घड़ी, हमारी घड़ी मतलब हाँ मेरी नहीं है, अजीब है, मैं कौन हूँ, मैं जीव हूँ, और शरीर अजीब, तो शरीर तुम्हारा है कि हमारा है, हमारा, और घड़ी हमारी है, मजा आ जाए, ऐसे ऐसे सीखते जाना, ठीक है, कल पूछेंगे हम, जो कोई हमारे कमरा में आएगा ना कभी मिलने, कहीं से भी हम पूछे कब आए, कितने लोग घूम रहे हैं कितने लोग घूमते हैं, है? दो घूमते हैं, एक शरीर और एक दो गए, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस, फिर दुख का नहीं लेस, लेस समझते हो, लेस जरा सा भी दुख नहीं बचे, किंचित भी दुख नहीं होगा, तो आज से करोगे सर फिर क्या मोक्ष कौन कौन को जाना, एक बार फिर से बता दे भाई, चलो ठीक है भैया।